नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आईसीआईसीआई घोटाले को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बैंक की जो प्रमुख हैं चंदा कोचर, उनके पति से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। लेकिन इस वक्त इस घोटाले को लेकर एबीपी न्यूज के पास एक और बड़ी खबर भी है, और खबर यह है कि वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमुख हैं वेणुगोपाल धूत, उन्होंने खुद को घोटाले में बेकसूर बताया है। दूध सर, ये बताइए, जिस तरह के आज आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, चंदा कोचर, उनके मिस्टर और उनके और आपके संबंध, उनकी कंपनी में, आपकी कंपनी, आपकी सब्सिडियरी कंपनी ने की हुई निवेश, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसमें कुछ क्विड प्रो क्वो या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियोकॉन ग्रुप की एक बहुत क्लीन कंपनी है। जो कुछ प्रचार चल रहा है वो सब झूठा है। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया है कि इसमें कोई भी प्रकार का क्विड प्रो को है नहीं, और आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा काम होता नहीं। आईसीआईसीआई बैंक में जो भी काम होता है, ये जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ओपेक जिसमें कहीं भी नहीं है, ऐसा काम होता है। तो ये जो काम है, ये जो आईसीआईसीआई ने हमें जो पैसा दिया है, क्योंकि उनको बिजनेस की ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने हमको वो टाइम पे पैसा दिया, और पिछले 5 साल में हमने उनके ऊपर बैज भी दिया है, अभी थोड़ा बैज कम दे रहे हैं, पर बिजनेस अच्छा चला। इसमें कोई भी प्रकार की ऐसी वैसी बात नहीं है। हमने कोई भी किसी को भी कोई ये पैसे लेने के लिए दूसरे किसी कोई दीपक कोचर वगैरह कोई कंपनी में कोई पैसा लगाया कोई बोलते हैं, तो ये सब बात झूठ है। मैं बोलता हूँ भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, ये सब बातें झूठी है, और एक दिन सबके सामने आ जाएगा कि हम क्लीन हैं। और मैं आज भी कहूँगा क्लीन है, और आप भी मन में जानते ही ये क्लीन है, पर ये ऐसी स्टोरी चल रही है, चलो थोड़े दिन स्टोरी चलती रहेगी। एक और आखिरी सवाल इसमें जो बात की जाती है कि ये पहली कंपनी फॉर्म की गई, आप और चंदा कोचर जी के पति दीपक कोचर, इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी पहले फॉर्म करते हैं, उसमें से आप आपके शेयर्स बाद में निकाल लेते हैं, बाद में आपकी एक सब्सिडियरी कंपनी उसमें 64 करोड़ के निवेश फिर से करती है, और फिर से शेयर्स निकाले जाते हैं, ये ऐसे 2-3 बार शेयर्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, इंटरेस्ट निकाला जाता है, फिर से उसमें लाया जाता है, ये क्या बात होती है? देखिए, दीपक कोचर के साथ मेरे 12 साल पहले संबंध थे, मैंने छोटे 2.5 लाख रुपए के शेयर लिए थे उसके, और 2.5 लाख रुपए के शेयर मैंने उनके बेच दिए। उसके सिवा उनके कंपनी में मेरा कोई भी पैसा लगा हुआ नहीं है, और मेरा उनसे कोई भी संबंध नहीं है। थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमुख वेणुगोपाल धूत को। हम सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम से, मेरी सहयोगी शीला रावल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शीला, यहां पर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो सिस्टम में पारदर्शिता है उसकी दुहाई देकर आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं वेणुगोपाल धूत, तो आखिरकार ये पूरा मामला ठहरता कहां है, टिकता कहां है? इसमें 2-3 बातें बहुत गौर करने वाली है। ना दीपक कोचर ने, जब मैंने सवाल उनको भेजे तो मना किया कि वीडियोकॉन के साथ कोई रिश्ता है, उनका है कि नहीं है। उन्होंने मान लिया कि उनके कारोबारी रिश्ते थे और हैं। अभी वेणुगोपाल धूत को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कुछ शेयर लिए थे, फिर उन्होंने शेयर बेच दिए। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि पत्नी बैंक में है, वही बैंक उनको 3,500 करोड़ का लोन देती है, तो जब हमने बैंक से सवाल पूछा तो उन्होंने, बैंक ने शुरुआत में ये जवाब दिया कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है। दूसरा जवाब ये आया कि जिस कमेटी ने वीडियोकॉन को लोन अप्रूव किया है, उस कमेटी की अध्यक्ष चंदा कोचर नहीं थी। जब हमने उनको स्पेसिफिकली पूछा कि क्रेडिट कमेटी में चंदा कोचर सदस्य थी या नहीं, जब जाकर बोर्ड के अध्यक्ष एम के शर्मा ने बोला कि हाँ, वो उस कमेटी पे थी जिस कमेटी ने वीडियोकॉन की लोन को मंजूर किया। अब 2 बातें हैं, जब लोन मंजूर की तो आप और मैं लोन लेने जाते हैं तब हमसे बहुत सारे सवाल करते हैं और कोलेटरल पूछते हैं। अभी तक आईसीआईसीआई बैंक ने ये नहीं बताया कि वीडियोकॉन ने कोलेटरल क्या दिया था। क्या चंदा कोचर ने ये लोन अप्रूव करने से पहले बैंक को डिस्क्लोजर दिया था कि उनके पति के कारोबारी रिश्ते वीडियोकॉन के साथ है? ये दूसरा सवाल उठता है। और तीसरा एक बड़ा मज़ेदार सवाल ये भी है कि 660 करोड़ की लोन आईसीआईसीआई की विदेशी शाखा यानी यूके और कनाडा की शाखा ने केमैन आइलैंड में
वीडियोकॉन की एक मानी जाती फ्रंट कंपनी को दिए और उसकी गारंटी किसने दी, तो वीडियोकॉन की भारत की 6 कंपनी ने दी। ये सबसे मज़ेदार वाकया है, ये दोनों ही चीज़ सारे नियम को ताक पे रख के हुई है। कोई भी इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी विदेश की कंपनी के लिए गारंटी नहीं दे सकती। और टैक्स हेवन में 660 करोड़ की लोन कैसे मिल सकती है? बिल्कुल, तो शुरुआती नज़र में कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि जो नियम हैं, कायदे हैं, उन्हें ताक पर रखा गया। देखिए पूरा ये मामला क्या है, एक बार ज़रा ये समझ लीजिए आप किस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। दिसंबर 2008 दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत ने न्यू पार रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। चंदा कोचर के पति हैं दीपक कोचर। वेणुगोपाल धूत ने न्यू पार के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया और अपने हिस्से के जो शेयर थे वो महज 2.5 लाख में सौंप दिए। ये हुआ जनवरी 2009 में। दिसंबर 2008 में कंपनी बनी थी। उसके बाद मार्च 2010 में धूत की जो कंपनी है सुप्रीम एनर्जी से न्यू पार को 64 करोड़ का लोन मिला। और नवंबर 2010 में धूत ने सुप्रीम एनर्जी की अपनी पूरी हिस्सेदारी महेश चंद्र पुगलिया को सौंप दी। फिर सितंबर 2012 से लेकर 29 अप्रैल 2013 इस वक्त में पुगलिया ने सुप्रीम एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी दीपक कोचर के ट्रस्ट पिनाकल एनर्जी को सौंप दी। और 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ का लोन दिया। वीडियोकॉन समूह पर कुल 2,849 करोड़ रुपए का फिलहाल बकाया है। और 2017 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन के बकाया लोन को एनपीए घोषित कर दिया। तो यहां बैंक को चपत लग रही है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वीडियोकॉन ग्रुप के जो प्रमुख हैं वेणुगोपाल धूत, जिनके संबंधों को लेकर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के साथ सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सिरे से इन तमाम आरोपों को कैसे खारिज कर रहे हैं, एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बार फिर से देखिए। धूत सर, ये बताइए जिस तरह के आज आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, चंदा कोचर, उनके मिस्टर और उनके और आपके संबंध, उनकी कंपनी में, आपकी कंपनी, आपकी सब्सिडियरी कंपनी ने की हुई निवेश, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसमें कुछ क्विड प्रो क्वो या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियोकॉन ग्रुप की एक बहुत क्लीन कंपनी है। जो कुछ प्रचार चल रहा है वो सब झूठा है। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया है कि इसमें कोई भी प्रकार का क्विड प्रो को है नहीं और आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा काम होता नहीं। आईसीआईसीआई बैंक में जो भी काम होता है ये जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ओपेक जिसमें कहीं भी नहीं है, ऐसा काम होता है। तो ये जो काम है, ये जो आईसीआईसीआई ने हमें जो पैसा दिया है, क्योंकि उनको बिजनेस की ज़रूरी थी इसलिए उन्होंने हमको वो टाइम पे पैसा दिया। और पिछले 5 साल में हमने उनके ऊपर बैज भी दिया है, अभी थोड़ा बैज कम दे रहे हैं, पर बिजनेस अच्छा चला। इसमें कोई भी प्रकार की ऐसी वैसी बात नहीं है। हमने कोई भी किसी को भी कोई ये पैसे लेने के लिए दूसरे किसी कोई दीपक कोचर वगैरह कोई कंपनी में कोई पैसा लगाया कोई बोलते हैं तो ये सब बात झूठ है। मैं बोलता हूँ भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, ये सब बातें झूठी है। और एक दिन सबके सामने आ जाएगा कि हम क्लीन हैं। और मैं आज भी कहूँगा क्लीन है और आप भी मन में जानते ही ये क्लीन है, पर ये ऐसी स्टोरी चल रही है, चलो थोड़े दिन स्टोरी चलती रहेगी। एक और आखिरी सवाल इसमें जो बात की जाती है कि ये पहली कंपनी फॉर्म की गई, आप और चंदा कोचर जी के पति दीपक कोचर, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी पहले फॉर्म करते हैं, उसमें से आप आपके शेयर्स बाद में निकाल लेते हैं, बाद में आपकी एक सब्सिडियरी कंपनी उसमें 64 करोड़ के निवेश फिर से करती है और फिर से शेयर्स निकाले जाते हैं। ये ऐसे 2-3 बार शेयर्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, इंटरेस्ट निकाला जाता है, फिर से उसमें लाया जाता है, ये क्या बात होती है? देखिए दीपक कोचर के साथ मेरे 12 साल पहले संबंध थे, मैंने छोटे 2.5 लाख रुपए के शेयर लिए थे उसके और 2.5 लाख रुपए के शेयर मैंने उनके बेच दिए। उसके सिवा उनके कंपनी में मेरा कोई भी पैसा लगा हुआ नहीं है और मेरा उनसे कोई भी संबंध नहीं है। थैंक यू।
तो सुना आपने, वेणुगोपाल धूत ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। हम फौरन लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। इस सोमवार से रात 9 बजे मैं पुण्य कुसुम वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।